हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज आम एही क्लास रे इंग्लिश रो मॉक टेस्ट 3 डिस्कशन करिवा। ऑलरेडी आम 2 मॉक टेस्ट डिस्कशन कर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस पुणी थरे आज क्लास रे आम किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस सिलेबस अनुसार क्वेश्चंस रही प्रत्येक क्वेश्चन को भल भाव पढ़ा एंड ट्राए करवा। ठीक अच्छे, स्टार्ट करवा आज क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन ट्राए करूँ। माई कंट्राक्ट हेज बीन एक्सटेडेड डैश एन अ द इयर। ओके, व्हिच प्रेपोजिशन इज द राइट आंसर ट्राए करूँ। व्हिच ऑप्शन हिज यार राइट आंसर। माई कंट्राक्ट हेज बीन एक्सटेडेड फॉर एनदर इयर हिज यार राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक अच्छे, तो ये एक्सटेड सहित फॉर प्रिपोजिशन टी सुइटेबल क्लियरली बुझीगला। माई कंट्राक्ट हेज बीन एक्सटेडेड फॉर एनदर इयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टू ट्राए करवा। I usually stay at home days night. Then which option is the right answer? I usually stay at home at night is the right answer. Option C, at is the right answer. मने रखन्तु at को आमे at present पाई मध्य यूज करती। ओके, इन को यूज करती पास्ट एंड फ्यूचर पाई। यह सहित at night एमिति आमे यूज करी परिवा। ओके, आई यूजुअली स्टे एट होम एट नाइट हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर लिविंग फॉर लंडन डे संडे। वी आर लिविंग फॉर लंडन ऑन संडे हो राइट आंसर। ऑन संडे, ओके, ऑन को आम यूज करती कौन से एक वीक रो डे पाई। इन को यूज करती मंथ एंड ईयर पाई। एट को यूज करती स्पेसिफिक डेट पाई। फ्रॉम थारू, ओके, डेस्टिनेशन फ्रॉम आम यूज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिबा। क्वेश्चन फॉर, टोक्यो इज द मोस्ट क्राउडेड सिटी डैश द वर्ल्ड। व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर? टोक्यो इज द मोस्ट क्राउडेड सिटी इन द वर्ल्ड ही जो इन द वर्ल्ड गोटे बिग एरिया सेन्स आम इन यूज करती स्मॉल एरिया पे एट यूज करती। इन द वर्ल्ड टोक्यो इज द मोस्ट क्राउडेड सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फाइव, कैन यू स्पीक डैश स्पैनिश। क्यों आर्टिकल हम ना आर्टिकल हम ना ही ट्राए करवा। कैन यू स्पीक स्पानिश हूँ गोटे कौन सिंपली गोटे लांगुएज, तो ये कौन से आर्टिकल दरकार ही ना। नो आर्टिकल हो राइट आंसर। कैन यू स्पीक स्पानिश, जमी आम कहते कैन यू स्पीक इंग्लीश, कैन यू स्पीक हिंदी, लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सो डैश वन आईड पर्सन ट्राए करवा। क्यों ऑप्शन टी हो राइट आंसर? आई सो डैश वन आईड पर्सन। एठी जदि आम भाव ये कौन अच्छी ओ अच्छी ओ हूँ गोटे भोएल, दैट्स वाई एठी आई सो एन वन आईड पर्सन देन एटा भूल हो। बिकज अलवेज आम आर्टिकल ए आउ एन यूज करती सिंगुलर काउंटेबल नाउन पाई, ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड आर्टिकल द यूज करती स्पेसिफिक सेन्स रे। क्लियरली बुझीगला? ओके, तो ये आई सो हुम हुम क्वेश्चन करिवर कि आसला पर्सन आसला, तो ये पर्सन हूँ गोटे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो मुझे कहीपरि आई सो ए पर्सन एंड दैट पर्सन इज वन आईड। ओके, तो सही सेन्स रे ये वन आईड हूँ गोटे आट्रब्यूट सेन्स रे, तो आम आर्टिकल ए क्या यूज करवा नाउन पर यूज करवा, दैट्स वाई आई सो ए वन आईड पर्सन हो कौन यार राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय सिस्टर विल कम इन डैश डे और टू ट्राए करवा। क्यों ऑप्शन टी हो राइट आंसर? माय सिस्टर विल कम इन डैश डे और टू, फटाफट ट्राए करूँ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। माय सिस्टर विल कम इन ए डे और टू हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू स्पीक डैश ट्रूथ ऑलवेज। यू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माय मदर इज सो पुअर ऑलवेज। जितेबाला सो आसो आम कौन पेयर करवा, कही कनसेप्ट क्लास रे सो सहित आम दैट यूज करती, दैट सी कैन नॉट बाय फूड फॉर अस। ऑप्शन ए हो यार राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स किंबा डू एज डायरेक्ट कर क्वेश्चन आसपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टेन, वेट हियर देन डैश। व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर? वेट हियर, वेट हियर माने कौन अपेक्षा करो जो पर्यंत
कम बैक करुच्ची टिल आई कम बैक वेट हियर टिल आई कम बैक हो राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डिड द बॉयज टर्न डैश फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस ओके टर्न सहित क्यों प्रेपोजिशन लगे गोटे एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टे फॉर्मेशन हम डिड द बॉय टर्न ऑफ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टर्न ऑफ फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस ओके तो यही सेंटेंस टी पाई टर्न ऑफ रो मीनिंग टा कौन आसुची कमेंट सेक्शन रे जणाइबा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ही डिड नॉट क्वालिफाई डैश द जॉब ही डिड नॉट क्वालिफाई डैश द जॉब क्वालिफाई सहित एठी हमें क्यों प्रेपोजिशन टी यूज करिवा ही डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द जॉब इज वो हेयर राइट आंसर ओके सी जॉब पाइबा जॉब सकासे नेक्स्ट क्वेश्चन आई फेल्ट वेरी प्राउड डैश माई सेल्फ प्राउड सहित आम क्यों फिक्स प्रेपोजिशन को यूज करती आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऑफ आम यूज करती ऑप्शन बी हो हेयर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव डैश लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 इयर्स आई हैव व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर हैव अच्छी मीन्स कौन यहाँ पर आम भव र थर्ड फॉर्म यूज करवा हाँ कि नुह भव थर्ड फॉर्म कौटा हो नोन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आई हैव नोन लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 इयर्स इज वो हेर राइट आंसर बुझीगला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन माई सिस्टर एंड डैश आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इनविटेशन माई सिस्टर एंड व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन 15 आई हो सब्जेक्टिव केस रे ही रहिबो ओके बिकॉज एठी कोन छि वर्ब छि वर्ब पूर्व रु जहां मैं यूज करंती सब्जेक्टिव केस रे ही यूज करंती माई सिस्टर एंड आई आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इनविटेशन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 16 ट्राई करिबा क्वेश्चन 16 टू 20 पर्यंत करेक्ट स्पेलिंग को फाइंड आउट करियार अछि ओके नेसेसरी रो करेक्ट स्पेलिंग को उठाइ जिवो क्वेश्चन 16 फटाफट ट्राई करंतु नेसेसरी सन डी हो जिवो हेर राइट आंसर एन ई सी ई एस एस ए आर वाई नेसेसरी नेक्स्ट क्वेश्चन करप्ट करप्ट रो करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करिबा करप्ट क्वेश्चन 17 सी ओ आर आर यू पी टी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर करप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सेटेलाइट सेटेलाइट ट्राई करंतु व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर सेटेलाइट रो एप्रोप्रिएट स्पेलिंग कोटा डबल एल आई टी ई हबो ओके डबल एल आई टी हबो एस ए टी ई डबल एल आई टी ई सेटेलाइट इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलियनेयर मिलियनेयर रो एप्रोप्रिएट स्पेलिंग टा फाइंड आउट करबा क्वेश्चन 19 मिलियनेयर मिलियनेयर एन ए आई आर ई ओके एठी मध्ये अछि देन देखिबा एम आई एल एल आई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एम आई एल एल आई ओ एन ए आई आर ई मिलियनेयर नेक्स्ट क्वेश्चन अचीवमेंट रो एप्रोप्रिएट स्पेलिंग टा ट्राई करंतु क्वेश्चन 20 अचीवमेंट रो एप्रोप्रिएट स्पेलिंग कोन हबो एचीवमेंट ए सी एच आई ई वी ई एम ई एन टी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 21 टू 25 वॉइस रो क्वेश्चंस एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव रे कन्वर्ट करिबा ट्राई करिबा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस रो क्वेश्चंस आसीबो सिलेबस अनुसार ही हैड ऑलरेडी पास्ड द एग्जामिनेशन एई सेंटेंस टी रो पैसिव वॉइस कोन हबो ही हैड ऑलरेडी पास्ड द एग्जामिनेशन तो हेड सहित वर्ब थर्ड फॉर्म अछि तो हैड बीन होइ जिवो ओके हैड बीन कोथरी अछि देखिबा हैड बीन अछि ऑप्शन बी होइ जिवो हेयर राइट आंसर द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी बीन पास्ड बाय हिम ही होछि सब्जेक्टिव केस हिम होइ जिवो एठी ऑब्जेक्टिव केस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन दे हेल्प हर फटाफट ट्राई करंतु दे हेल्प हर व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन 22 वेरी सिंपल एटा वर्ब 1 रछि मींस प्रेजेंट रो सिंपल रछि कोन हिजो इज एम आर सहित वर्ब रो थर्ड फॉर्म हर टा अछि कोन एठी ऑब्जेक्टिव केस रे ओके दे हेल्प हुम कर क्वेश्चन कर रो ऑब्जेक्ट आसीला हर तो एहारो सब्जेक्टिव केस कोन हिजो सी सी इज हेल्प्ड ऑलवेज वर्ब 3 रे ही रहइबो पैसिव रे बाय दे रो ऑब्जेक्टिव केस देम होइजबो राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सी इज हेल्प्ड बाय them is the right answer next question did she write a story
ट्राई करिवा डिड सी राइट ए स्टोरी मीन्स पास्ट सिंपल रो पैसिव करिवा बिकॉज डिड आसी ओके पास्ट सिंपल रो पैसिव कौन हो वाज ए स्टोरी रिटन बाय हर हिज हेरा राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हु सो द थीफ ट्राई करंतु एटा मध्य से पास्ट सिंपल रो ही सेंटेंस बाय हुम वाज द थीफ सीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन डज हि हेल्प द पुअर डज आसला मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर पई आसी दैट टू प्रेजेंट रो सिंपल टेंस अछि तो प्रेजेंट रो सिंपल टेंस को पैसिव करबा क्वेश्चन 25 आर द पुअर हेल्प बाय हिम होइजो हेयर राइट आंसर बुझी हला जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 टू 30 रहिछि ट्राई करबा क्वेश्चन 26 टू 30 नरेशन रो क्वेश्चन अछि ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज लेंड मी योर बुक ओके इंपेरेटिव सेंटेंस टी को डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच रे कन्वर्ट करंतु फटाफट ट्राई करंतु क्वेश्चन 26 व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर ही सेड टू हिज फ्रेंड एठी लिसनर अछि ही होच स्पीकर प्लीज लेंड मी योर बुक क्वेश्चन 26 मी आसी जी मींस कोन एटा आई रो ऑब्जेक्टिव केस तो आई आमे कोथि पई यूज करंती आई को आमे यूज करंती सब्जेक्टिव केस पई ओके सब्जेक्टिव केस एंड आई सॉरी सब्जेक्टिव केस नो एथिरे आमे आई को यूज करंदे लिसनर पई आई मी ओके ई सब उडा तो एठी लिसनर कोन जीव हीटा जतेला आमे एठी यूज करबा ही रो ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस अनुसार सेंटेंस टी रहबो तो हीटा कोन हिजो एठी हिम हबो एई सेंस रे बिकॉज़ मी योर बुक अछि ओके ही कोन हिजो एठी हिम हबो तो सही अनुसार ऑप्शन व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर He requested his friend to lend him his book. He is the right answer. Option D is the right answer. Next question. I said to my friend, can you swim? That is verb 2. So can could convert? Try it. I said to my friend, can you swim? Which option is the right answer? Question 27. Very simple. I asked my friend whether यू मीन्स कौन लिसनर लिसनर माइ फ्रेंड तो माइ फ्रेंड को ये हि रिप्लेस करवा हि कुड स्विम ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम लिविंग फॉर दिल्ली आई सेड आई एम लिविंग फॉर दिल्ली क्वेश्चन 28 ट्राई करवा आई सेड आई एम लिविंग फॉर दिल्ली व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर आई सेड दैट आई वाज लिविंग फॉर दिल्ली व्हिच इज हियर राइट आंसर बुझीला जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन She said, I am coming just now टा कौन हिजबो just then हबो ओके तो just now हबनी just then हबो देन I am टा I was रे कन्वर्ट हबो I was तो हबो नै एटी स्पीकर होजे I तो I होजे कौन स्पीकर बाय आसीबो मींस C रे कन्वर्ट हिजबो दैट इज 29 ऑप्शन D She said that she was coming just then होजबो हेर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन I said how quick you are ओके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अच्छी ट्राई करवा क्वेश्चन 30 आई एक्सक्लेम्ड हिजो ओके आई एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी क्विक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 31 टू 35 पर्यंत रिलेटेड टू हमरो स्पॉटिंग एरर एरर करेक्शन रो क्वेश्चंस अच्छी फटाफट ट्राई करवा आई गो टू द बेड एट नाइट एवरी नाइट ट्राई करवा क्यों पार्ट रे एरर अच्छी आई गो टू द बेड मु सिंपली जदी क्वेश्चन करबी आई गो व्हेयर व्हेयर क्वेश्चन करियो बेड आसला तो बेड एठी गोटे एडवर्बियल ऑफ प्लेस सेंस रे आसीबारु तो एहा पूर्वरु आर्टिकल द रो आवश्यकता नाही आई गो टू बेड हबो एठी द रो आवश्यकता नाही ऑप्शन ए पार्ट रे ही थिला एरर नेक्स्ट क्वेश्चन आई शल राइट टू यू व्हेन आई शल रीच बेंगलोर नो एरर क्यों पार्ट रे एरर अछि क्वेश्चन 22 व्हेन आई साल तो व्हेन हूँ गोटे कंजक्शन तो यहाँ पर ऑलरेडी कौन फ्यूचर फ्यूचर एक्शन को दर्शाईप गोटे भव पाई तो ये पुणी थे आम फ्यूचर को दर्शाईवा किसी आवश्यक ना तो रिमूव सल इज द राइट आंसर ऑप्शन ए पार्ट रे ही एरर साल हम ना आई राइट टू यू व्हेन आई साल रीच बेंगलोर हिज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन माय ब्रदर हैज एंड इज स्टिल डूइंग एक्सलेंट वर्क फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन ये सेंटेंस जदि आम पढ़ा ये हेज जदि पाइबा देन यहाँ पर आम भव्र थर्ड फॉर्म पाइबा तो यहाँ कौन हाँ दरकार भव्र थर्ड फॉर्म हाँ दरकार जदि यहाँ भव्र थर्ड फॉर्म होन यही इज पर भव्र आई एन जी फॉर्म हम
ओके यही इज पाई भाव रो आई एन जी फर्म पुणी करार अच्छे तो सही सेन्स अनुसार ये जो हेज को आम हेज पर सिंपली ये गोटे जो आम बीन यूज करदे देन परफेक्ट कंटिन्यू सेन्स अनुसार हेज पाई भी भर्व आई एन जी फर्म आसीज हेज बीन देन इज पाई भर्व रो आई एन जी फर्म आसीज तो सही अनुसार हेज परफेक्ट न रखी परफेक्ट कंटिन्यू टेन्स रखा माई ब्रदर हेज बीन एंड इज स्टिल डूइंग एक्सलेंट वर्क फर हिज ऑर्गेनाइजेशन यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज ट्रू दैट द पुअर इज अनेबल टू गेट नर्सिंग फूड इवन टुडे व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर क्यों पार्ट रे एरर अछि जेतेले कोनोसे एको एडजेक्टिव सहित आमे आर्टिकल द यूज करंती देन सेटा को आमे कॉमन नाउन भाबरे कंसीडर करंती तो एठी इट इज ट्रू दैट द पुअर इज एटा को पूरा आमे प्लुराल सेंस रे कंसीडर करी आर अनेबल टू गेट नर्सिंग द फूड इवेंट टुडे हो राइट आंसर तो क्यों पार्ट रे एरर थिला ऑप्शन बी पार्ट रे एरर थिला इज हबो नाही आर हो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम मच ग्लाड दैट यू हैव ओन द प्राइज ट्राई करंतु क्यों पार्ट रे एरर अछि आई एम मच ग्लाड दैट यू हैव ओन द प्राइज आई एम मच ग्लाड मच वर्सेस भेरी रो गोटे कनसेप्ट अच्छी ओके एडभव रहा जिते आम भव थर्ड फॉर्म पाइबा से मच यूज करवा जिते भव आई एन जी फॉर्म पाइबा से आम भेरी यूज करवा मीन्स युवा भव नुह ये सब गुड़ा गोटे गोटे एडजेक्टिव यू कह जाए पास्ट पार्टिसिपल यू कह जाए प्रेजेन्टर पार्टिसिपल एडजेक्टिव भाव में क्लीअरली बुझीगला एंड यू आम कंपेरेटिव डिग्री में यू आम पॉजिटिव डिग्री यूज करते तो ये आई मच न कही ये जब भेरी कह गए पॉजिटिव डिग्री पर आई एम भेरी ग्लाड दैट यू हैव ओन द प्राइज ऑप्शन ए पार्ट रे ही थिला एरर ओके बुझीगला मच वर्सेस भेरी रो कांसेप्ट कौन थिला जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 36 टू 40 पर्यंत आइडेंटिफाई करिबा पार्ट्स ऑफ स्पीच आई सॉ ए वुमन वॉकिंग अलोंग द रोड एठी अलोंग टा कौन हबो ट्राई करंतु अलोंग कौन हिजबो एठी आई सॉ ए वुमन आई सॉ व्हाट व्हाट क्वेश्चन करले म कहि परबी वॉकिंग तो एटा गोटे नाउन गोटे नाउन को आ गोटे नाउन किंवा प्रोनाउन सहित तो रिलेट करवा काम होचे प्रेपोजिशन तो वॉकिंग को द रोड सहित तो सिंपली रिलेट करउछि तो से अनुसार प्रेपोजिशन हिज यार राइट आंसर अलोंग टा कौन हिज प्रेपोजिशन नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड रादर डाइ देन बैक ट्राई करंतु एटी देन टा कौन हबो एटी देन कौन भाबर यूज हिज नाउन प्रोनाउन कंजक्शन प्रेपोजिशन वेरी सिंपल कनेक्ट करूछि एटी रिलेट करूनी दैट्स व्हाई कौन हिज एटी देन टा गोटे कंजक्शन होइजिबो नेक्स्ट क्वेश्चन सी एज वेल एज हर सिस्टर इज एंगेज्ड सी को सिस्टर सहित हर सिस्टर सहित एज वेल एज मध्य कौन करुछि कनेक्ट करुछि दैट्स व्हाई एज वेल एज मध्य गोटे कंजक्शन भाव रे ई सेंटेंस रे काम करुछि नेक्स्ट क्वेश्चन ए चेन इज एज स्ट्रॉंग एज इट्स वीकेस्ट लिंक एठी एही एज टा कौन हबो कहंतु प्रथमे कहंतु एही एज टा कौन हबो देन एही एज टा कौन हबो धरा पड़ जिवो स्ट्रंग हूँ एडजेक्टिव एडजेक्टिव पूर्व कौन आसा एज तो ये एजटा गोटे एडभव भाव में कम करुच्चे देन एटा गोटे क्लोज हो जाटा गोटे क्लोज हो तो ये एजटा गोटे कंजक्शन भाव में कम करुच्चे ऑप्शन डी हो रहा राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राए करवा ए ग्रेट टॉकर इज ए ग्रेट लायर आई थिंक यहाँ आम प्रीवियस मॉक टेस्ट में डिस्कसन कर लायर कौन हम ट्राए करवा नाउन हम प्रोनाउन हम एडजेक्टिव हम ना प्रेपोजिशन हम ए ग्रेट टॉकर इज व्हाट सिंपली क्वेश्चन कले कौन हो लायर आस तो लायर कौन हो पारे ए लायर हो पार ए लायर टा जन कौन हो पारे पुणी थे ग्रेट हो पार तो ग्रेट एडजेक्टिव आर्टिकल ए आम नाउन पर यूज करती भर पर क्वेश्चन करवाट आसला व्हाट क्वेश्चन कले आम नाउन पाइबा तो ये लायर कौन हो गए नाउन भाव में करुच्ची ओके बुझीगला तो यह आम 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 आपन के देखु एंड निजर प्रिपेरेसन को पूरा से ही अनुसार इम्प्रूव करूँ ओके जो क्वेश्चन कम सॉल्व होची देन कौन कले आम अधिक क्वेश्चन सॉल्व करी परबा सही अनुसार निजर प्रिपेरेशन को इम्प्रूव करूँ आई होप यही क्लास टी आपण बहुत यूजफुल रहइबो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।